मतलब बाबू, आज हम आपको निबंध बनाएंगे बताएंगे कि इम्पोर्टेंट निबंध कौन कौन है। देखिए निबंध में आप क्या लिख रहे हैं ना, यही मायने रखता है। मतलब क्या, देखिए एग्जाम में पास तीन चीज का राइट रहता है कि आपको नंबर कितना देना है। कि राइटिंग वाइटिंग में नहीं बोलते कि नंबर काटता है कि क्या करता है। हाँ, काटता है कब, जब आपका एसे अप्लीकेशन और लेटर, यही तीन चीज में उसके पास अधिकार रहता है। तो वो चाहेगा तो पूरा में पूरा नंबर दे भी सकता है, काटना चाहेगा तो पूरा का पूरा काट भी सकता है, क्योंकि इसी तीन में उसका अधिकार रहता है और उस पर कोई बोल नहीं सकता है। ठीक ना, तो देख लीजिए, आपको ये वेरीफाइड है, आपको टीचर के द्वारा जो वहाँ पे जाता है वो लिखे हुए हैं। हाँ, कि बाबू इस तरीके से लिखेगा तो नो डाउट एट ऑल नंबर दे ही दे देगा। हम 2022 का क्वेश्चन लाने के पीछे इसलिए, इसके पीछे रीजन है कि देखिए 22 का ना, 22 से ना बाबू क्या होता है, जो 24 में पूछता है आपको, 22 से ना 24 में पूछते रहता है आपको, इसलिए हम आपको ये लाए हुए हैं। तो देखिए आपको अगर देखने का मन होगा फिर देखिए एक डिसिप्लिन पे आप ये देख लीजिएगा। हाँ, फिर देखिए आपको 2022 में देख लीजिए आप, इतना ये नहीं, एक सेकेंड सॉरी। देखिए इम्पोर्टेंट का बात करें तो उसे हम 10-12 दे देंगे तो आपको एक पूछ ही देगा, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ देखिए CBSE वाले का तो दिक्कत नहीं होती रहता है, या फिर मान लीजिए जिसका बिहार बोर्ड में इंग्लिश बहुत बढ़िया है उसको एस सब लिखने में तो दिक्कत ही नहीं हो रहा है, कोई देखना भी नहीं चाहता कि इम्पोर्टेंट एससे क्या है। हाँ, एक नज़र देख लिए बस बात खत्म, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसके पास कैपेसिटी रहता है कि लिख सकता है, तभी वो अच्छा बच्चा कहलाएगा, तभी वो इंग्लिश पढ़ा हुआ मतलब बोला जाएगा, नहीं उसको पढ़ने लिखने आता है इंग्लिश। ठीक ना, अगर आपके पास होता है कैपेसिटी तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, तब तो गया, तब तो 100 समझिए, 95 प्लस समझिए तब तो। ठीक है, तब तो इस सब में देखने का टाइम वेस्ट है ये सब करना। ठीक ना, देखिए फिर भी देखिए आपको 3-4 चीज़ें का देख लीजिएगा एक बार जरूर। इंपॉर्टेंट की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 4 दिए देखने का मन करेगा, क्योंकि 4 ही है जो रिपीटेड 1 से 2 साल में पूछते रहता है, नहीं तो सब नया नया आ जाते रहता है। इलेक्शन एक नया आएगा, पहले हम समझ, माई हॉबी, आपका जो हॉबी होगा टेररिज्म, क्या आतंकवाद जो रहता है उस पर, आपका जो शौक है उस पर, इलेक्शन का टाइम आ रहा है। देखिए अभी केंद्र में भी आपको मोदी जी का सरकार भी बनने वाला, अब मुख्यमंत्री में नीतीश का सरकार या फिर जो भी जिसका भी सरकार बने वो बन रहा है, आपको केंद्र और राज्य में दोनों तरफ अभी क्या चल रहा है, आपको इलेक्शन आने वाला, ज़्यादा उम्मीद है कि इलेक्शन का पूछेगा, क्योंकि COVID-19 भी आने मतलब गया हुआ था तो COVID-19 भी पूछा, मतलब जो ट्रेंडिंग टॉपिक रहता है ना उससे एक ना एक उठा कर देते रहता है। अगर आप देखना चाहिएगा तो इलेक्शन ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक, पॉल्यूशन का तो अभी हम बता ही देंगे, पॉल्यूशन भी देख लीजिएगा। मान लीजिए इसी की जगह एनवायरनमेंट पॉल्यूशन रहेगा तो बात बराबर हुआ, मान लीजिए नॉइज पॉल्यूशन हुआ तो बात बराबर हुआ, थोड़ा बहुत उसमें नॉइज डाल देंगे। एनवायरनमेंट है तो एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ा बहुत ज़्यादा बोल देंगे। और एक चीज़ आपको करना है क्या, एक डिसिप्लिन का भी देख लीजिएगा एक्स्ट्रा में, DSCIPLI यानी डिसिप्लिन पे आप थोड़ा बहुत देख लीजिएगा कि ये भी थोड़ा रिपीटेड क्वेश्चन रहता है, थोड़ा नहीं रिपीटेड क्वेश्चन, मतलब 4-5 सिर्फ देखना है उससे ज़्यादा नहीं आपको। ठीक है, देखना है कुछ तो 5 देखिए उससे ज़्यादा नहीं आप रिपीटेड में। देखिए फिर क्या हुआ बाबू के देखिए इसमें आप हो गया, आप बात आता है कि जो बोला हुआ था कि मेन चीज़ है, मान लीजिए कि याद नहीं है, ये भी इससे भी चीज़ पे याद नहीं है, फिर भी आपको नंबर लाना है 8 में 8 नंबर, तो वो हम आपको बता दें। देखिए लिखना कैसे है बाबू, ये देख लीजिए एप्लीकेशन से, सॉरी एस से निबंध, इंट्रोडक्शन पर ब्लैक पेन से लिखना है, टॉपिक लिख देना जिस पे लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना है उसका, नॉइज पोल्यूशन के बारे में पूछो लिखना है, अगर एनवायरमेंट पोल्यूशन रहेगा तो उसके बारे में लिखे, इलेक्शन रहेगा तो इलेक्शन के बारे में लिखेंगे। हम नॉइज पोल्यूशन के बारे में क्या लिखे हुए हैं कि आपको नॉइज पोल्यूशन का दूसरा नाम साउंड पोल्यूशन है। ठीक है, इलेक्शन के बारे में लिखना चाहेंगे तो भारत में सब ज्यादा कोई इंक्लूड होता है तो इलेक्शन में इंक्लूड होता है। ठीक, उसके बाद उसका मीनिंग लिख देंगे बाबू, जो भी होगा ना उसके बाद मीनिंग जो होता है क्या होता है, इलेक्शन का मीनिंग क्या होता है, इलेक्शन का अर्थ क्या होता है, इलेक्शन का अर्थ होता है कि मतलब सब आदमी जो अपना अधिकार है, इलेक्शन अच्छा होते हम जो वोट देते क्या, वोट मेरा अधिकार है, इसलिए इलेक्शन क्या होता है, सब आदमी, इंडिया ही बाबू ऐसा है, इंडिया ही ऐसा है ना देश में जिसमें सबसे ज़्यादा एक्टिव वोटर है। वोटर मतलब क्या, कि सबसे ज़्यादा उम्मीद करता है क्या सरकार से, लोग सरकार का हम ये बनाएंगे देंगे ना, इसका सरकार मोदी की सरकार बनाने देंगे तो ये हमारा किस्मत चेंज हो जाएगा, इसका नाम क्या है, राहुल गांधी का सरकार बना देंगे तो किस्मत चेंज हो जाएगा, मतलब सबसे ज़्यादा उम्मीद करता है किसमें, तो आपको इंडिया में, अमेरिका सब में ऐसा नहीं होता है। इसका क्या अर्थ होता है ये लिखेंगे, जैसे कि मान लीजिए हम लिखे हैं नॉइज पॉल्यूशन भी पूछ सकता है, तो नॉइज पॉल्यूशन के बारे में क्या लिखा है, अनवांटेड साउंड डैट हैज अनप्लीजेंट, मतलब ऐसा साउंड जो हमको सुनने में अच्छा नहीं लगता है उसी को बोलते हैं नॉइज पॉल्यूशन। ठीक है, किसी के लिए डीजे का आवाज़ भी नॉइज पॉल्यूशन होता है, क्योंकि बुढ़वा सबको जो सुनने में मजा नहीं आता है, इसलिए उसके लिए क्या हो जाएगा नॉइज पॉल्यूशन वो हो जाएगा। इसका कॉजेज क्या है, देखिए आपके
कॉजेज क्या है देखिए आपको, इन टूडेज लाइफ सोसाइटी इट ओमनी प्रेजेंट, मतलब क्या कारण क्या है, हर एक जगह पाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये हो गया कि आपको डीजे का आवाज़ ज़्यादा कर दीजिएगा, वो भी नॉइज पॉल्यूशन हो गया। आपको कंस्ट्रक्शन जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे भी हो सकता है। ट्रैफिक में देखते हैं भाई, सिटी मारती रहता है मारती रहता है मारती, मतलब वो भी नॉइज पॉल्यूशन है। ठीक, इसके बारे में लिखेगा आपको कि क्या इसका कॉजेज है। फिर आपको आता है क्या इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट जरूर लिखेंगे, इससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो देखिए, क्या इफेक्ट पड़ रहा है इस पर। कि नॉइज पॉल्यूशन ना बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है कान का, देखिए बीमारी सब जो फैल रहा है ना, कान का कम जो सुनाई दे रहा है, इसी सब कारण से हो रहा है। इलेक्शन में भी हम बोल रहे हैं कि रीजन क्या है इलेक्शन का, कॉजेज में देते हैं इफेक्ट इससे क्या होता है, थोड़ा बहुत चेंजेज आता है, नहीं बात नो डाउट एट ऑल, थोड़ा बहुत चेंज होता है। आप अपने पसंद का जी मान लीजिए मुख्यमंत्री बना दीजिएगा तो नौकरी उकरी देते रहता है, तो उसका इफेक्ट में दे देंगे, बहुत ज़्यादा ये होता है। अब बहुत ज़्यादा ये भी होता है आपको कि नौकरी नहीं देते रहता है, आपको भ्रष्टाचार बढ़ते रहता है, गलत आदमी को चुन लेते हैं, तो ये सब लिखना है। इसको रोकेंगे कैसे, प्रिवेंटेशन में रोकेंगे ऐसे कि देखिए पहले नॉइज पॉल्यूशन कैसे रोकेंगे, कि हम हॉर्न वॉर्न नहीं बजाएंगे, डीजे बजा रहे तो थोड़ा कम आवाज़ देंगे, इस तरीके से हम रोक सकते हैं। उसी तरह इलेक्शन को में भ्रष्टाचार को कैसे रोक सकते हैं, कि जो भी जैसे कि अभी तो ऐप बन गया है, हर पंचायत का ऐप बन गया कि कितना पैसा आता है, हर एक आदमी देख सकता है। हाँ, आपके पास अधिकार है कि पूछ सकते हैं कि कितना का बजट आया है, किस तरीके से आप काम काज करेंगे, आपके पास अधिकार है, मौलिक अधिकार है आपका। ठीक, फिर आता है कि आपको इलेक्शन में गलत काम हो रहा है तो इसको आप कैसे रोक सकते हैं। तो आप मान लीजिए अच्छा सा पढ़ा पढ़ा लिखा आदमी आएगा, ये आपको मुख्यमंत्री बनेगा नहीं, उसके बाद जैसे कि मान लीजिए कि ये अरविंद केजरीवाल आईएएस था या इसी, हाँ शायद आईएएस था, तो देखिए वो कितना काम कर रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, नौकरी भी दे रहा है, नो डाउट एट ऑल, बहुत अच्छा काम। तब ना देखिए कॉमन सी बात है, सोच रही हमारे पास इतना 20-25 साल कौन रहता है, रह रहा है, मतलब कुछ ना कुछ काम करता होगा, इसलिए देख लें। तो प्रिवेंटेशन में हम वो चीज़ लिख देंगे, ठीक, बस हो गया। प्रिवेंटेशन में इतना लिख देंगे, बस कम से कम जो है ना आपको 4 से 5 पॉइंट इसका लिख देंगे, बस हो गया। इससे ज़्यादा आपको लिखने का कहीं पे भी जरूरत नहीं है। देख लीजिए इंपॉर्टेंट बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 5 दिखेगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 5 दिखेगा, जैसे माई हॉबी टेरोरिज्म इलेक्शन पॉल्यूशन और डिसिप्लिन। ठीक, कोई दिक्कत होता है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज करिए। थैंक यू सो मच।